और अब खबर रीवा से है, जहां भारतीय रेड क्रॉस रीवा द्वारा आज सदगुरु ट्रस्ट चित्रकूट के सहयोग से मोतियाबिंद परीक्षण शिविर का आयोजन रीवा के रेड क्रॉस सोसाइटी में किया गया, जिसमें 28 लोगों का परीक्षण अब तक किया जा चुका है। तो वहीं 6 व्यक्तियों का ऑपरेशन के लिए चयन भी किया गया, जिनको रेड क्रॉस के माध्यम से चित्रकूट भेजा जाएगा। वहीं चित्रकूट से वापस रीवा लाया जाएगा, जहाँ ऑपरेशन रेड क्रॉस के द्वारा निःशुल्क किया जा रहा है। इस शिविर में डॉक्टर गुलाब सिंह, सहायक राजेश, सहायक सुनील एवं अंजना ज्योति सहित टीम उपस्थित रही। ये सदगुरु चिकित्सालय के ये हॉस्पिटल में के द्वारा ये हमारे यहाँ आउटरीच कैंप लगते हैं, और हमारे यहाँ रेड क्रॉस सोसाइटी के जो सदस्य मतलब यहाँ की जो टीम है वो हमारे मतलब कैंप लगवाती है हर साल। ये कम से कम 10 से 12 साल हो गए लगाते कैंप ये। अभी तक कम से कम 25 लोगों का भी चेकअप हो चुका है, उसमें कम से कम 6-7 लोगों का लिए सिलेक्ट किया गया है। उसमें से कम से कम जाएंगे 6-7 लोग जाएंगे अभी हर महीने की। ये यहाँ से मरीज ले जाके चित्रकूट जाएंगे, ये चित्रकूट में ऑपरेशन होगा, उनका निःशुल्क इलाज होगा और आने जाने का सब निःशुल्क रहेगा जी। रेड क्रॉस सोसाइटी की मदद के द्वारा सब होता है। अभी तक कम से कम 25-30 लोगों का हो चुका है। 6 लोग चित्रकूट के लिए जी, 6 लोग कभी सिलेक्ट हुए हैं अभी कैडेट के लिए, मोतीबिंद के लिए। किस तरह का ऑपरेशन किया जाएगा उनका? SICS होता है उनका कैंप के द्वारा। एक लिखता है, एक सुधर करो, है ना।